हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम स्वॉर्ड विनर। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है केनिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। सरे अपना आखिरी मैच जीत के आई है और हैम्पशायर काफ़ी ख़राब चल रहा है, आखिरी दो मैच में वो हारे हैं। और जो वीकनेस उनका हमेशा ही रहता है वो अभी भी दिख रहा है बैटिंग को लेके। जो बड़े नाम को उन्होंने रिक्रूट करा है उनका उस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से जेम्स विंस के ऊपर आ रही है। हालांकि जेम्स फुलर ने कुछ इनिंग्स अच्छे खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तरह का स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। और लास्ट मैच एसिक्स ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से हराया हुआ था, जहाँ पे एक रेन अफेक्टेड मैच था। मतलब मैच छोटा तो नहीं हुआ था, लेकिन बारिश के चलते कंडीशंस काफ़ी एडवर्स हो गए थे उनके उनके लिए। और चीज़ें जो स्ट्रेंथ होती है हैम्पशायर की अपनी बॉलिंग को लेके, अपनी फील्डिंग को लेके, वो वहाँ पे वो सही से नहीं कर पाए थे। और इसे जो कि काफ़ी वीक टीम होती है जनरली, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया था हैम्पशायर को। और उसके पहले भी वो मैचेस ऑफ कोर्स हारे ही हैं बैटिंग की वजह से। दूसरी तरफ से सरे की बात करें तो इनके टीम में आपको पता ही होगा कि मिनी इंग्लैंड टीम लेकर ये घूमते हैं। अगर इनके मोस्ट प्लेयर्स अवेलेबल हों तो ये इंग्लैंड की टीम लेके ही उतर सकते हैं। तो काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैच में, अपने घर पे इसी ग्राउंड पे ग्लौस्टरशायर को उन्होंने हराया हुआ था। ऑलराउंड परफॉर्मेंस करा था सैम करन ने। इसके अलावा नरीन और पोलार्ड जो पहली बार खेल रहे हैं इस सीज़न में, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट डाला हुआ था। ओवरऑल एक अच्छे पैकेज की तरह दिख रहा है उनका टीम। हालांकि इनके टीम में भी वीकनेस है, उनके टीम में भी बैटिंग को लेकर एक प्रॉब्लम रहा है हमेशा, तो वो अभी एक्सपोज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मैच पे दोनों ही टीमों के बॉलिंग के ऊपर आपको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सरे का भी जो वीकनेस है वो बैटिंग से है और हैम्पशायर का भी वीकनेस बैटिंग से ही है। तो फिर से एक लो स्कोरिंग या ऐसा कुछ आपको मैच जो है यहाँ पर देखना मिलना चाहिए। देखते हैं हम आखिरी मैचेस में, जब ये दोनों टीमें आखिरी कुछ सालों में जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुए हैं तो क्या हुआ है। काफ़ी सारे मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं, तो इसीलिए आखिरी पांच मैच देखने के लिए आपको काफ़ी पीछे तक जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी पांच में जो तीन मैचेस के रिजल्ट आए उनमें तीनों ही मैच सरे ने जीता है, दो मैच नो रिजल्ट। अभी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में। और इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो 2020 में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था सरे का, जिसकी वजह से वो नॉकआउट स्टेज तक भी गए थे। लेकिन पिछले सीजन में काफ़ी ख़राब रिजल्ट रहा, सात में से जो पांच मैचेस के रिजल्ट आए वहाँ से सिर्फ दो जीत और तीन हार उनको सहना पड़ा था। जबकि उसके पहले वाले सीजन में जो सात मैचेस के रिजल्ट आए थे उनमें से पाँच जीत उन्होंने दर्ज करा था, एक हार और एक मैच टाई हुआ था। तो देख लेते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो क्या हुआ है। ये पहला मैच है, छः साल पीछे जाना पड़ रहा है आपको आखिरी पांच ढूंढने के लिए, आप समझ सकते हैं। तो ये ओवल का ही मैच है, सरे ने बनाया था 188, बहुत ही ख़राब बैटिंग हुआ था हैम्पशायर का। तो इस बार सरे की बॉलिंग जीती और सरे ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करा। करंट स्क्वाड्स में कोई अवेलेबल ऑफकोर्स नहीं है, बहुत पुराना मैच है। उसके बाद फिर से ओवल का मैच हुआ, हैम्पशायर का बैटिंग फिर से ख़राब रहा, जहाँ पे कोई भी आपको नहीं दिखने के बोलेंगे करंट स्क्वाड मेंबर्स में। सरे ने फिर से इसी चेस करा और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर वापस से हुआ। तो जो चीज़ हमने ऊपर ही प्रेडिक्ट करा था ना, लो स्कोरिंग मैच, वो यहाँ पे आपको वही दिख रहा होगा। अगला मैच फिर से ओवल में हुआ, फिर से 11 ओवर का मैच रहा, 77 फुलर के कुछ स्कोर्स हैं। बाकी मोरियार्टी स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जा रहा है इनको। एटकिंसन भी स्क्वाड में है, विल जैक्स के एक विकेट और 45 रन्स, बाकी मेसन ट्रेन ने एक विकेट निकाला हुआ था। रन्स अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, मतलब 11 ओवर के तुलना में तो रन्स ठीक ठाक ही हैं, लेकिन उतना कुछ खास भी नहीं, इससे ज़्यादा रन हमने बनते हुए देखे हैं। और लगातार मैचेस ओवल में हो भी रहे हैं और सरे जीत भी रही है। साउथम्पटन में मैच हुआ था सेकेंड लास्ट सीजन में, हैम्पशायर ने भी यहाँ पर भी उनका बैटिंग उतना अच्छा नहीं रहा, कुछ रेजिस्टेंस दिखाया था विंस और यान हॉलैंड ने। बाकी री स्टॉपली जिन्होंने चार विकेट निकाले हुए थे, बाकी विल जैक्स यहाँ पर भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। विल जैक्स काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके आप नोटिस कर सकते हैं। और सरे ने बहुत ईजिली चेस कर लिया, जहाँ पर विल जैक्स और लॉरी इवांस ने बहुत ईजिली टारगेट को चेस करवा दिया। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच पिछले सीजन में, वो साउथम्पटन में हुआ था। सरे का बैटिंग उतना कुछ खास नहीं था, 146 ही उन्होंने बनाया था। जैक्स यहाँ पर भी कुछ स्कोर से, बाकी ओली पोप, स्कॉट क्यूरी जो लास्ट मैच खेले थे वुड की इंजरी की वजह से, व्हील और ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा। हैम्पशायर की बैटिंग वापस से खराब, जिसको लीड करा था एटकिंसन ने, जिस स्क्वाड में है खिला नहीं जा रहा, बैटी नहीं है, मोरियार्टी भी खेल नहीं रहे हैं और जेमी ओबर्टन को कभी बॉलिंग मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो ये मामला रहा है, देखिए नाम बदलते रह रहे हैं, ठीक है, कभी कोई आ रहे हैं कभी कोई आ रहे हैं, लेकिन जो सीन है वो है ये कि हैम्पशायर की बैटिंग एक भी मैच पर नहीं चल रही है। ठीक है, अगर हम आखिरी पांच मैचों की बात करें, मैच छोटा हो जाए, मैच पूरा हो जाए, पहले बैटिंग करा लो, दूसरी बैटिंग करा लो, कहीं पर भी नहीं चल रही है। सरे की बैटिंग उस तरह से टेस्टेड नहीं हुई है, नहीं तो उनका भी बैटिंग बहुत खास कुछ नहीं रहा है। हाँ, ये जो मैच रहा था, ये जो सेकेंड लास्ट जो मैच था दोनों टीमों के बीच में और जो लास्ट मैच साउथम्पटन में हुआ था, वहाँ पर आप कह सकते हैं सरे का बैटिंग डोमिनेशन था,
ठीक है, विल जैस काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सरे का भी बहुत खास कुछ बैटिंग रही नहीं रहा है। जीत गए हैं क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस उनको चेस करने पड़े और यहाँ पर इनका डिसेंट बैटिंग हुआ था, जो आप कह सकते हैं 188 जो बैटे बैटिंग करते हुए, तो ऐसा सीन रहा है। ठीक है, तो हैम्पशायर दूर दूर तक नहीं है, चाहे आप बैटिंग मतलब बॉलिंग फिर भी कभी कभार अच्छा हुआ भी है, लेकिन बैटिंग की बातें जितने कम कर लें उतनी ही बेहतर। इवन जेम्स विंस भी यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, मेरे ख्याल से 27 रन उन्होंने बनाया था, वही इनका हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्चर में। बाकी जितनी कम बातें करें उतना ही बेहतर, कुछ यहाँ पर हमें खास देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, बाकी बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे रिसेंट मैचेस हुए नहीं हैं और 6 साल पीछे जाना पड़ रहा है हमको आखिरी 5 मैच ढूंढने के लिए। तो लेकिन मामला ये रहा है और कुछ चीज़ें यहाँ पर हम नोटिस कर पा रहे हैं। अभी हम आ जाएंगे ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, और इस ग्राउंड पर कुछ चीज़ें जो हैं आपको देखने मिल जाती हैं। अच्छा, याद रखना, ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी नॉर्मल कंडीशन में है, अगर बारिश नहीं होती है, अगर ये नहीं होता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस ग्राउंड पर जनरली बहुत रन नहीं बनते हैं, अगर निहायत ही आपकी बॉलिंग बहुत बुरी नहीं हो तो आप यहाँ पे बहुत रन्स नहीं बनते हुए देखते हैं। स्पिनर्स का यहाँ पे एक रोल रहता है, लेग स्पिनर्स आप छोड़ना नहीं चाहते और यहाँ पे स्पिनर्स भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। अगर आप लास्ट जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, अगर आप उसको नोटिस करेंगे हेड टू हेड में, तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, जो हुआ था 2020 पे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, मोरियार्टी, बैटी, जैक्स, क्रेन सारे के सारे स्पिनर्स थे। और जैक्स अभी तो बॉलिंग नहीं कराना पड़ रहा है इनको, नहीं तो इस ग्राउंड पे इनकी बॉलिंग काफ़ी काम पे आती थी। याद है मुझे जब जैक्स मतलब जो 2020 वाला सीज़न था वहाँ पर जैक्स कंसिस्टेंटली बॉलिंग बैटिंग हर तरफ से यहाँ पर काम पे आ जाते थे। बैटिंग से तो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है उनकी। उसके बाद ये वाले मैच पर अगर हम देखें तो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से तो कोई है नहीं, लेकिन बैटी एक स्पिनर के तौर पर आपके नहीं आए थे, बैटी भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे। बाकी यहाँ पर नाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार जब नाम मिला है काफ़ी सारे बॉलरों का, वहाँ पे भी हमने स्पिनर्स को ही देखा है। अच्छा, अभी देख लेते हैं रीसेंट मैचेस में कि क्या हो रहा है मामला यहाँ पे। तो पहला मैच है ग्लैमोरगन बनाम सरे, ग्लैमोरगन ने बनाया था 166। ग्लैमोरगन की टीम है, बॉलिंग उतना अच्छा नहीं होता है आपको पता होगा, तो सरे ने यहाँ पर चेज भी कर लिया डैन मोरियार्टी जो स्पिनर है, और यहाँ पे दूसरे इनिंग्स पर भी आपको स्पिनर्स का डोमिनेशन जो है देखने मिल रहा है, जिसको लीड करा था जेसन रॉय, लॉरी इवांस, जेमी स्मिथ के कुछ परफॉर्मेंसेस थे। और यहाँ पर बॉलरों में से सैम करन जो काफ़ी अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पे, लगभग कंसिस्टेंट रहे हैं जितने भी मैचेस उन्होंने खेले थे पिछले सीजन में भी इस में भी, तो डेफिनेटली एक बहुत ही डिसेंट कैप्टन ऑप्शन बन जाते हैं। तो 167 का टारगेट था जो यहाँ पर चेज हो गया। अगला मैच सरे बनाम एसेक्स का हुआ, एसेक्स ने 118 पर निपटा दिया। अभी देखिए स्पिन की बात हो रही हो और एसेक्स का नाम नहीं आया, ऐसा बहुत ही कम होता है। एसेक्स स्पिन डोमिनेटिंग टीम है और जनरली मोस्ट कंडीशंस में स्पिन को हेल्प नहीं मिलता है, तो इसीलिए उनके स्पिनर्स कुछ काम नहीं आते आ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही स्पिन चलने लगा स्पिनर्स ने 5 विकेट निकाल दिए। ठीक है, बाकी स्मिथ के यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस थे, बाकी कोई बैट्समैन उतना कुछ खास वो कर नहीं पाए। एसेक्स ने बहुत इजीली चेस कर लिया, यहाँ पर डैन मोरियार्टी जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जॉर्डन क्लार्क भी है, इनके कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं। अगर हमें सरे और सोमरसेट के बीच में हुआ, फिर से यहाँ पर सरे ने कम बैट अच्छा बैटिंग उनका नहीं रहा, हालांकि विल जैसा परफॉर्मेंस रहा, सोमरसेट ने इजी चेस कर लिया, जहाँ पर मोरियार्टी, बैटी, एटकिंसन दो विकेट स्पिनर्स को यहाँ पर फिर भी मिले थे। अगला मैच मिडिलसेक्स बनाम सरे का हुआ, सेकेंड लास्ट मैच था मेरे ख्याल से ये, जी हाँ सेकेंड लास्ट मैच था। मिडिलसेक्स ने बना था 174, ठीक है, जहाँ पर विल जैक्स फिर से आपको दिख रहे हैं बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। जेमी स्मिथ कई बार नाम आया है लेकिन ये काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं तो कोई मतलब बनता नहीं। सरे के 5 के 5 ही विकेट्स निकाले थे स्पिनर्स ने, ठीक है, पेसर्स यहाँ पर ज़्यादा खेलते हैं लेकिन यहाँ पर पार्ट टाइम स्पिनर्स ने आकर भी विकेट निकाल के रखा हुआ, तो स्पिनर्स का रोल यहाँ पर है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में सारे ने बनाया था 127, पेसर्स का अपर हैंड रहा, केंट का एक ही विकेट गिरा जो निकाला था मोरियार्टी ने, बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म करा। और इस सीजन में जो दो मैचेस हुए हैं अगर हम उनको कंसीडर करें तो 173 बना था ग्लैमोरगन ने, जिसको चेस कर लिया सारे ने। सैम करन की यहाँ पर कुछ स्कोर्स है, लॉरी इवांस चेसिंग में कुछ रन इनके हैं, बैटिंग फर्स्ट में उतना कुछ खास होता नहीं। ओली पोप, बाकी सुनील नारिन एक लौते स्पिनर रहे हैं और इनको ही अभी लौता स्पिनर के तौर पर यूज़ कर रही है टीम, जैक्स को बॉलिंग नहीं दे रही है। और बाकी ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा। और लास्ट मैच जो हुआ था सरे बनाम ग्लोस्टरसा के बीच में, 15 ओवर का मैच था तो विकेट्स काफ़ी जल्दी यहाँ पर गिर गए थे हिटिंग के चक्कर में, पेसर्स ने ज़्यादा विकेट निकाल रहे थे लेकिन टॉम स्मिथ जो लौते स्पिनर थे यहाँ पर ग्लोस्टरसा की तरफ से, उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। इसके अलावा जैक्स, जेसन रॉय इनके परफॉर्मेंसेस थे, ग्लोस्टरसा को 92 विकेट पर निपटा दिया। सैम करन, टॉपली के अलावा यहाँ पर ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा और नारिन का 1 विकेट यहाँ पर भी रहा। तो नारिन अभी 1 विकेट निकाल रहे हैं, वही मेन स्पिनर है, पहले टीम 3 स्पिनर्स लेकर खिलाती थी, डैन मोरियार्टी, गैरेथ बैटी और विल जैक्स को भी बॉलिंग मिल जाती थी, अभी एक ही स्पिनर से बॉलिंग करानी पड़ रही है। क्या पता आगे आने वाले समय में आपको विल जैक्स भी बॉलिंग करते
में दिख जाए। जनरली विल जैक्स यहाँ पर इफेक्टिव होते थे बॉलिंग से, लेकिन अभी शायद ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी उनकी। और बैटिंग से भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, हेड टू हेड में भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो अच्छे ऑप्शन है। कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन आप बना ही सकते हो, और टीम में तो डेफिनेटली आपको लेना है। कभी भी इनको बॉलिंग भी मिल सकती है, और इनकी बॉलिंग यहाँ पर काम पे आई है हिस्टोरिकली। बाकी अगर हम रनों की बात करें तो रन डिसेंट बन जाते हैं, बहुत ही मतलब 180 ऊपर आपने स्कोर शायद बनता हुआ नहीं देखा होगा यहाँ पर, जैसे कि 174 चेज हो गया था, वो भी सामने ग्लैमरगन जैसी टीम रही है तो वो एक भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर 175 चेज हुआ था जो सर ने करा था, उसके बाद उससे कम स्कोर तो चेज हो ही जाते हैं, नहीं तो बहुत रन्स यहाँ पे जनरली आप बनते हुए नहीं देखते हैं। ग्लैमरगन के सामने कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ 175-180 के बीच में ही मामला रहता है, उससे कम बने ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं जनरली। और स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है, कुछ नाम आपने यहाँ पर नोटिस करे होंगे, बहुत प्लेयर्स यहाँ पर खेल नहीं रहे हैं उनमें से, जैसे कि डैन मोरियार्टी, गैरेथ बैटी, इनकी कुछ परफॉर्मेंस, लेकिन विल जैक्स जो पुराने प्लेयर्स में से अभी भी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं तो उनके कुछ नाम हैं। बाकी सैम करन भी यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव होते हैं बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी, और ईजी कैप्टन मटेरियल भी बन जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ टॉस और रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। तो ये रही सारी चीज़ें जो हम बता सकते थे, बहुत रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप काम पे लगा सकते हैं। हेड टू हेड में भी आपने देखा, यहाँ पे भी आपने देखा। बाकी आ जाते हैं प्लेइंग 11 के सेक्शन में, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ यहाँ पर डिस्कस कर नहीं सकते, जितना था मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं टीम बनाने के टाइम पे हम उनको यूज़ करेंगे। हैम्पशायर की तरफ से ऐसा प्लेइंग 11 को देखने को मिल सकता है जहाँ पे एक इजी विकेट ऑप्शन आ रहा है एनुलिन डोनाल्ड का, जो भी बॉलर बॉलिंग कराने आ रहे हैं ये इनका विकेट लेके जा रहे हैं, कोई मतलब बन ही नहीं रहा। और मुझे लगता है यहाँ पर कुछ चेंज करनी चाहिए टीम को, क्योंकि टीम के पास यहाँ पे टॉम प्रेस्ट का ऑप्शन है, यान हॉलैंड का ऑप्शन है जिन्होंने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करा है, तो इनको यूज़ करा जा सकता है। यान हॉलैंड जनरली इतने बुरे तो नहीं खेलते हैं और काउंटी सर्किट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। टॉम प्रेस्ट इंग्लैंड अंडर 19 के कैप्टन मेरे ख्याल से रह चुके हैं, बहुत टैलेंटेड ऑप्शन है, बॉलिंग भी करा सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी को यूज़ कर सकती है टीम जब रेगुलरली वो फेल हो रहे हैं एनुलिन डोनाल्ड, तो यहाँ पर बिल्कुल उनको एक मौका मेरे ख्याल से देना चाहिए। बाकी बेन मैकडरमॉट है, जेम्स विंस कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, वेदरली वगैरह किसी के भी उतने नाम नहीं है, रिसेंट मैचेस ये खेले नहीं होंगे। जो प्लेयर्स के ऊपर मैं आपको फोकस करवाने के लिए बोलूंगा, कीपर सेक्शन में मैकडरमॉट को आप रख सकते हैं क्योंकि और कोई डिसेंट ऑप्शन नहीं है। लॉरी इवान शायद आप चेस में एक बार देख सकते हो, बाकी और कोई डिसेंट ऑप्शन नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लेयर हो गए। मेसन क्रेन मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पे, इनका लेग स्पिन यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा स्कॉट क्यूरी लास्ट मैच खेले थे, अगर इस मैच भी खेलते हैं, बहुत ही इफेक्टिव बॉलर रहे हैं पिछले सीजन में, किस भी टूर्नामेंट में आप देख लो, किस भी मतलब फिक्स्चर में देख लो, हमेशा इफेक्टिव रहे हैं। लास्ट सीजन सबसे कम मैचेस उन्होंने खेले थे हैम्पशायर के बॉलरों में से, और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। नेथन एलिस अभी तक तो कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, मतलब जिस चीज़ की वजह से इनको लाया गया है विकेट लेने के मामले में, वो अभी तक उन्होंने कुछ खास करा नहीं है, तो बाकी नाम के बेसिस पर स्पेशली बॉलिंग सेकंड में इफेक्टिव रहे हैं ये देखा गया है। जेम्स फुलर अच्छा रोल निभा रहे हैं बैटिंग से, थोड़ा बहुत यही कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, बॉलिंग भी दो तीन ओवर की आ रही है तो ले सकते हैं हम। तो बाकी मेरे लिए कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है इस हैम्पशायर की टीम में कि लेना ही पड़ेगा, कि ऐसे कोई रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैंने यहाँ पर मेसन क्रेन को बताया है, जेम्स फुलर अच्छा कर रहे हैं, जेम्स विंस के रिकॉर्ड बहुत खराब है, मैकडरमॉट डिफॉल्ट कीपर हो जाते हैं, तो ये तीन प्लेयर लगभग कन्फर्म है। इसके साथ आप जेम्स विंस को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, नीचे अगर आप आओगे तो नेथन एलिस, ब्रैडविल जैसे पेसर्स के ऑप्शंस हैं, ब्रैडविल अच्छा कर रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं रेगुलरली, भले ही टीम का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा हो लेकिन ब्रैडविल ठीक कर रहे हैं, और नेथन एलिस बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, और स्कॉट क्यूरी, ये बॉलरों में से ही मेरे को ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं अगर कुछ है तो, बाकी बैट्समैनों में से मुझे ज़्यादा कोई उम्मीद यहाँ पर फिर से हैम्पशायर की तरफ से नहीं है। बेंच पे टॉम प्रेस्ट और यान हॉलैंड हो सकते हैं, ये दोनों ही काफ़ी अच्छा करके आए हैं काउंटी सर्किट में, और टॉम प्रेस्ट तो इंग्लैंड के होकर स्टार बन के आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो देखना पड़ेगा टीम इनमें से किसी को खिलाती है या नहीं, और दोनों ही ओपनिंग भी कर सकते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं अगर टीम खिलाना चाहती है तो। सर की तरफ से जो प्लेयर्स को आप नहीं छोड़ना चाहोगे, सबसे पहले तो मैं कहूँगा सैम करन कैप्टन फर्स्ट मटेरियल है, विल जैक्स, जेसन रॉय ले सकते हैं, वैसे ही बैटिंग सेक्शन में हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन हैगा नहीं तो जेसन रॉय भी हो गए। उसके बाद नीचे आएंगे तो सुनील नरीन, इनका रोल मुझे लगता है बढ़ सकता है यहाँ पे, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट देखे जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा लेकिन कंसिस्टेंट 50-60 पॉइंट मुझे लगता है आपको ये देखे जाएंगे ही। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको रीस टॉपली दिखेंगे, रीस टॉपली काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा के आए हैं काउंटी सर्किट में और रेगुलरली विकेट के अंदर हैं, काफ़ी दिनों के बाद इनको खेलने का मौका मिल रहा है, इंजुरी की वजह से बहुत टाइम ये बाहर रहे हैं और एक यूनिक एंगल भी ब्रिंग करते हैं ये अपनी बॉलिंग पे, तो एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं अगर आप इनफॉर्म बॉलर की खोज कर रहे हो तो। बाकी नाम के बीच में जाना है तो क्रिस जॉर्डन, तो यहाँ पे जो जो प्लेयर्स हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रख सकते हैं, जेसन रॉय आपको ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा, ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, विल जैक्स, सैम करन, चेजिंग में शायद आप लॉरी इवांस की तरफ एक बार देखना चाहो, बाकी अगर आप लो स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो, बॉलिंग हैवी टीम बना रहे हो तो इग्नोर भी कर सकते हो। सुनील नरीन, चार प्लेयर्स यहाँ से हो गए। उसके बाद रीस टॉपली, ये मेरे लिए पाँचवें प्लेयर हो सकते हैं
हैं। बाकी परसेंटेज देख के जाना है तो यहाँ पर क्रिस जॉर्डन के साथ आप जा सकते हो, मेरे को कोई खास प्रायोरिटी किसी भी नहीं है। जेमी ओवरटन बहुत कंफ्यूजिंग प्लेयर है, कभी इनको बॉलिंग मिल जाती है कभी नहीं मिलती है, बैटिंग में तो डिसेंट जगह पे आते हैं लेकिन अगर इनको बॉलिंग ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बाकी जो बॉलर्स हैं उनको बॉलिंग मिलती है, इनका कोई गारंटी नहीं है बॉलिंग मिलेगा नहीं। बाकी इनकी एबिलिटी तो इतनी है ही कि ये बैटिंग से भी इतना तोड़ सके कि बॉलिंग की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर बॉलिंग ना मिले तो 25-30 रन उतना मैटर करेगा नहीं। तो ये एक चीज़ है, हमेशा ही एक अनप्रडिक्टेबल प्लेयर रहे हैं ये काफ़ी सालों से जब से ये सारे की टीम में आए हैं, तो ये एक चीज़ है। बाकी और किसी का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कारण पोलार्ड वगैरह ने बॉलिंग तो कराई थी लेकिन अभी कुछ खास इनका नहीं है कि मैं स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट कर सकूँ, स्पेशली अगर आप लो स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली अभी तो कुछ ऐसा नहीं है इनकी तरफ से। बेंच पे एटकिंसन मोरियाटी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते थे लेकिन मुझे लगता नहीं कि दोनों में से किसी को खिलाया जाएगा। मोरियाटी खेलते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि इनको खिलाया जाए। कैप्टन मसर चॉइस की बात करें, हैम्पशायर की तरफ से मैकडरमॉट फुलर, मैकडरमॉट ने परफॉर्म नहीं करा है, नाम है इनका इसीलिए उनका अभी परसेंटेज ज़्यादा है, और फुलर ने परफॉर्म करा है तो यही एक लौते परफॉर्मर है अगर आप कहना चाहते हैं तो, और विंस ऑटोमेटिक पिक बन जाते हैं बैटिंग सेक्शन में इसीलिए। बाकी मेसन ट्रेन बॉलरों में से स्कॉट क्यूरी ये कुछ ऑप्शन हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो। सर की तरफ से जैक्स कुरन यही कैप्टन वाइस कैप्टन बन रहे हैं फिलहाल के लिए, इसके अलावा लोग कुछ और ट्राई करने के लिए जेसन रॉय या सुनील नरिन के आसपास जा सकते हैं। लॉरी इवांस बोलिंग से बैटिंग सेकंड में, और पोलार्ड नाम के बीच अगर आप देखना चाहो तो खास कुछ मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, समझ सकते हैं आप, हेड टू हेड में बहुत पीछे जाना पड़ रहा है, ग्राउंड में जिनके रिकॉर्ड से उनको खिलाया नहीं जा रहा है, तो इसीलिए जो है जितना है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो है यही, अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि इसमें आज की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पर मिलने वाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी एक और काम आप कर सकते हो, आपको अपने टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करना है @teamsforwin, 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइब चैनल को दिया जाएगा करना है क्लिक, और आप देख सकेंगे यहाँ पर आपको टीम्स मिलती रहती है, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसे गेम्स की भी, और सब कुछ यहाँ पर फ्री में ही मिलता रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आराम से यहाँ पर ज्वाइन हो जाना और फ्री की जो चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठा लेना, गिव अवेज भी होता रहता है तो उसका भी पार्ट बनने के लिए आपको यहीं पर ज्वाइन होना पड़ेगा, तो ज्वाइन जो है जरूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आने के लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं इस मैच की टीम, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है भले ही आप सरे के सपोर्ट में टीम बनाओ, प्लेयर्स आपके हैमस्ट्रिंग के ज़्यादा लेने पड़ेंगे। क्या है कि बैटिंग सेक्शन में जेसन रॉय के अलावा सारे के सारे ही हैमस्ट्रिंग के बैट्समैन हैं, जेम्स विंस, रॉस वाइटली, एनोडिन डोनाल्ड, विदरली जो खेल रहे हैं, इसके अलावा और तो मुझे कोई खेलता हुआ देख नहीं रहे हैं, तो सारे के सारे आपके हो गए हैमस्ट्रिंग के प्लेयर। अगर आप परसेंटेज देख के जाते हो तो जेम्स विंस आपके लिए ऑटोमेटिक हो गए, उसके बाद लोग विदरली के साथ जा रहे हैं, आप ये कर सकते हो। बॉलर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया री स्टॉपली के बारे में जो अच्छा कर रहे हैं, परसेंटेज भी इनका ज़्यादा है, मैंने मेसन ट्रेन को लेकर रखा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ से ये प्लेयर्स को हटा सकते हो और तीन आप सरे के बॉलर्स भी ले सकते हो, ठीक है, वोड़ा ले लिया, टॉपली ले लिया, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हैम्पशायर के कुछ और बॉलर्स को ऐड कर सकते हो। पहले तो मैंने मेसन ट्रेन बताया, उसके बाद पर्सनल मेरा जो चॉइस होगा वो स्कॉट क्यूरी का होगा और ब्रैड विद, ये कुछ ऑप्शंस हैं। चार ऑलराउंडर यहाँ से हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, जेम्स फुलर अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा अगर कर रहे हैं तो सिर्फ नाम नहीं है उतना, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, तो अच्छा कर रहे हैं तो लेना पड़ेगा। बाकी बॉलर सेक्शन में या आप किन प्लेयर्स को लेते हो मुझे लगता है उसके ही ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी। हैम्पशायर की तरफ से अगर मिनिमम भी कुछ देखना है तो उनकी बॉलिंग से ही है, बैटिंग से उम्मीद ना ही रखा जाए तो बेहतर, और मुझे इनके बैट्समैन लेने भी नहीं थे, बस और कोई ऑप्शन नहीं है तो ले लिया। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है क्लियर कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर सैम करन और विल जैक्स होने चाहिए। विल जैक्स काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं हेड टू हेड में, और थोड़ा बहुत इनका बॉलिंग यहाँ पे काम पे आता है, किसी वक्त बॉलिंग मिल सकता है, मिलेगा भी या नहीं है पता नहीं। सैम करन इजी कैप्टन चॉइस है किसी भी लीग में, अगर आप स्मॉल लीग मीडियम साइज लीग भी खेल रहे हो वहाँ पे भी वाइस कैप्टनसी के लिए आप विल जैक्स को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा सुनील नरिन भी अच्छे ऑप्शन है, इकोनॉमिकल तो रहते ही है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको हैम्पशायर की तरफ से देखना है तो मुझे उनकी बैटिंग से उम्मीद नहीं है, मैं बार बार रिमाइंड करवा दूं, बड़ी लीग में मेसन ट्रेन, स्कॉट क्यूरी और लियम डॉसन को एक ऊपर एक बार ट्राई जरूर कर लेना। जेम्स फुलर टीम में रख लो, कैप्टन बस नहीं सजेस्ट करूंगा, लियम डॉसन को लोग ले नहीं पा रहे हैं स्पेस की इशू की वजह से, लेकिन बड़ी लीग खेल रहे हो ना तो एक आध जगह पर लियम डॉसन को ट्राई कर लेना, इनका परफॉर्मेंस जितना बुरा रहा है उतने बुरे प्लेयर ये है नहीं, और ये कंडीशन इनको काफ़ी हेल्प कर सकता है, बैटिंग तो मिली जानी है और कंडीशन इनको हेल्प कर सकता है, इसीलिए बाकी और कुछ खास एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो बेहतर। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फॉर नाउ।